Hello everyone, welcome to Education Shelf Live. I'm Dr. Riddhi Agrawal and I'm here with an important news regarding the NEET application form. तो NEET का जो हमारा फॉर्म है उसकी करेक्शन फैसिलिटी जो है उसे दोबारा से ओपन किया गया है. अगर आप लोगों का कुछ भी चीज़ गलती से उसमें भरी गई है, आपको लग रहा है कि आपने पहले वाली करेक्शन फैसिलिटीज़ में जो मिली थी उसमें आप चेंज नहीं कर पाए हो, तो अब आपके पास काफ़ी दिन है उसके लिए. तो मैं आप लोगों को NTA का जो ऑफिशियल नोटिस आया है वो दिखा देती हूँ. सो जो ऑफिशियल नोटिस आया उसमें यही लिखा हुआ है कि COVID-19 की वजह से जो भी करेक्शन नहीं कर पाए हैं एस्पिरेंट्स, उन्हें NTA ने एक और फैसिलिटी दी है कि वो अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शंस कर सकते हैं. नाउ इट इज़ ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स ऑफ नीट UG 2020 दैट अ फैसिलिटी फॉर करेक्शन इन द पर्टिकुलर्स इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज वंस अगेन मेड ऑपरेशनल ऑन द वेबसाइट From 1st April 2020 to 14th April 2020. The candidates are advised to visit the website and verify their particulars and make necessary corrections wherever required. तो नीट यूजी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए NTA ने दोबारा से फैसिलिटी ओपन कर दी है. आप NTA की वेबसाइट पे जा सकते हो. वेबसाइट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और कल से ये चालू हुई है फैसिलिटी और 14 तारीख तक चलेगी. मतलब कि 14 डेज हैं आपके पास, आप आराम से करेक्शन जो है वो कर सकते हो अगर कोई भी चीज़ आपकी गलत हो गई है तो. और अगर नहीं भी गलत हुई है, आपको लग रहा है सब सही है, उसके बावजूद भी एक बार लॉगिन करके दोबारा से रीचेक कर लेना, ठीक है. अब जो भी आप करेक्शंस करोगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में वो 14 तारीख को शाम के 5 बजे तक कर सकते हो, ठीक है. और अगर आपको कोई फी सबमिट करनी है, जैसे सपोज करो आपने कुछ ऐसा चेंज किया, जैसे आपने कैटेगरी चेंज करी, तो उसमें आपकी फ़ीस दूसरी लगेगी. जैसे OBC से जनरल करी या जनरल से OBC करी तो उसमें अलग चीज़ें हो रहेंगी. तो अगर आपको फ़ीस किसी तरह की सबमिट करनी है तो वो रात को 11:50 तक सबमिट की जा सकती है 14 तारीख को, ठीक है. जो भी आपको फ़ीस पे करनी है वो आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI और पेटीएम के थ्रू कर सकते हो. Now the candidates are requested to undertake the corrections very carefully as no further chance of correction will be provided to the candidates. तो candidates से request की है NTA ने कि जितने भी corrections हैं उन्हें ध्यान से करना, क्योंकि आगे आपको कोई chance नहीं दिया जाएगा. इस बार already वैसे ये तीसरा chance है जो दे दिया गया है. In case additional fee payment is required depending on the changes made in the form, the final updates will be reflected after the payment. इसके अलावा ये है कि अगर आपने कुछ ऐसे चेंज किए हैं फॉर्म में, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिसमें आपको एडिशनल फीस जो है वो पे करनी पड़ी, तो उसके फाइनल अपडेट्स जो हैं आपके पेमेंट के बाद ही रिफ्लेक्ट होंगे, ओके. इसके अलावा जो एडिशनल अमाउंट है उसको क्रेडिट, डेबिट, नेट बैंकिंग से आप पे कर सकते हो अगर एप्लीकेबल है तो. इस चीज़ में कन्फ्यूज़ नहीं होना है. अगर आपके कोई भी फी एप्लीकेबल नहीं है, कुछ भी आपने ऐसा चेंज नहीं किया है, तो नॉर्मल ही रहने देना है. हर किसी को नहीं करना है एडिशनल अमाउंट पे. और कैंडिडेट्स और उनके पेरेंट्स को ये एडवाइस दी है NTA ने कि बार बार NTA की वेबसाइट विजिट करते रहें लेटेस्ट अपडेट के लिए. इसके अलावा आपको जो है आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे भी इंफॉर्मेशन आ जाएगी इंडिविजुअली, लेकिन हो सकता है अभी ना आ पाए, इसीलिए आप वेबसाइट पे विजिट करते रहो. इसके अलावा जो ये 5 नंबर हैं इन्हें आप नोट डाउन कर सकते हो जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं. तो आपको कोई और क्लैरिफिकेशन अगर चाहिए तो आप इन नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है. सो मैं होप करती हूँ कि ये चीज़ क्लियर हो गई होगी. कोई भी डाउट अगर आ रहा है इस चीज़ में, एडिशनल अमाउंट वाला जो डाउट है उसे अपने दिमाग में बिल्कुल नहीं रखना है. अगर आपने कुछ ऐसे चेंज किए फॉर्म में जिसमें फीस का चक्कर आ रहा है तो ही ये काम होगा, वरना जैसे आपको नाम चेंज करना है या मम्मी का नाम चेंज करना है, पापा का नाम चेंज करना है, उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. सो मैं होप करती हूँ कि ये चीज़ क्लियर हो गई होगी. कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना, मैं ज़रूर आपके डाउट को क्लियर कर दूँ. लेकिन अगर आपका कोई भी करेक्शन बाकी है तो उसे कर जरूर लेना, ओके. सो लाइक का बटन दबा देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे दबा देना, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही वीडियो प्रीमियर होने वाला होगा या अपलोड होगा. तो आप लोग ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, रेडियो, व्हाट्सएप, इन सब जगह मुझे फॉलो कर सकते हो. इन सब के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं. इसके अलावा 11th 12th की बायो और केमिस्ट्री की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. 11th और 12th बायो हमारी ऑलरेडी बहुत पहले ही कंप्लीट हो गई है सारे चैप्टर्स NCERT के, तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो उन्हें देख लो. समराइज फॉर्म में आपको मिल जाएंगे और NCERT भी कवर हो जाएगी. इसके अलावा 11th और 12th केमिस्ट्री के लेक्चर्स मैं रोज अपलोड कर रही हूँ, तो उनके भी लेक्चर्स हमारे कंप्लीट होने वाले हैं. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है 11th 12th की, बाकी भी जो है हमारे 5-6 चैप्टर्स बचे हैं दोनों ही क्लासेस के, वो भी कंप्लीट हो जाएंगे आपके एग्जाम से पहले, ठीक है.
सो आज के लिए बस इतना ही. दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.